Masha's Tales. तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह हाँ, मुझे तुम्हारी आंखों में सब दिख रहा है। मुझे जज कर रहे हो जैसे किताब को उसके कवर से करते हैं, पर एक अगली डकलिंग के अंदर भी एक खूबसूरत दिल हो सकता है। और अब मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। सिंडरेला। एक वक्त की बात है, यहाँ से दूर दूर के एक देश में एक लड़की रहा करती थी। उसे महल में होने वाली पार्टी में जाने का बहुत मन था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने लिए कभी वक्त मिलता ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसकी बुरी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी। बिना खेले सिर्फ काम करते रहना अच्छा नहीं होता, और उसे तो काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं होता था। सिंड्रेला सबके कपड़े धोती, सभी के गंदे बर्तन साफ करती, और हर दिन वो फायरप्लेस साफ करती वहाँ जमी राख को बाहर निकाल कर। और वैसे भी सिंड्रेला का मतलब ही ये होता है, नन्ही राख। दूसरी तरफ देश के राजा ने अपने महल में एक और पार्टी रखने का फैसला किया। वो भी कोई मामूली पार्टी नहीं, उन्होंने सबको इनवाइट किया। उन्होंने कहा उस पार्टी में होगी कुकीज, कैंडीज और आइसक्रीम की एक शानदार दावत, और रात भर उसमें नाच गाना चलेगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो गई, पर फिर वो बहुत दुखी हो गई, इसलिए क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी और वो भी बहुत ही गंदी। तो उसके पास शाही महल की पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। और फिर अचानक एक अच्छी परी उसके सामने आई और बोली, मैं हूँ तुम्हारी गॉड मदर और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे इस घर की फटी पुरानी ड्रेस को एक सुंदर पार्टी गाउन में बदल रही हूँ, ऐसा जिस पर से किसी की नजर ना हटे। पर तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जैसे ही महल की बड़ी घड़ी में 12 बजेंगे तुम्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारा सुंदर पार्टी गाउन फिर से एक घर वाली ड्रेस में बदल जाएगा। सिंड्रेला फ्राइंग पैन में अपनी परछाई देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी आ गई उसकी बुरी सौतेली माँ। तुम ऐसे तैयार होकर कहाँ जाने की सोच रही हो? घर में इतने सारे अखरोट पड़े हैं, उन्हें कौन तोड़ेगा? चलो काम करना शुरू करो। सिंड्रेला ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। इतने सारे अखरोट तोड़ने थे उसे, ऐसा करते हुए तो सारे दांत टूटकर खराब हो सकते हैं। अगर दांत ही ना हो तो वो पार्टी में स्माइल कैसे करती? तभी अच्छी परी वापस आई और उसने सिंड्रेला को लकड़े के पिनोक्कियो जैसे दिखने वाला एक साथी दिया। उसकी नाक इतनी लंबी थी और उसका मुंह इतना चौड़ा था और दांत एक हिप्पोपोटामस जितने बड़े। ये अजीब दिखने वाला बंदा कौन है? सिंड्रेला ने पूछा। ये कोई अजीब बंदा नहीं है, ये तो है नटक्रैकर, अच्छी परी ने जवाब दिया। देखो वो कितनी अच्छी तरह अखरोट तोड़ सकता है, टक टक, और लो काम हो गया। फिर सिंड्रेला ने जल्दी जल्दी सारे अखरोट तोड़ दिए और उसे नटक्रैकर इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने का फैसला किया। सिंड्रेला महल की ओर जा रही थी कि अचानक उसने राजा जी को देखा। ओ राजा जी, सिंड्रेला ने कहा, आखिर आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा जी ने उसे देखा और फिर कहा, बात ही कुछ दुखी होने वाली है। मैंने महल में एक पार्टी रखी थी, पर तभी वहाँ चूहे आ गए और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तभी नटक्रैकर खड़ा हुआ और उसने इंसानी आवाज में कहा, आप रोइए नहीं राजा जी, मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। वो अपने नाक की बांसुरी बनाकर उसे एक अच्छी सी धुन बजाने लगा और वो धुन इतनी अच्छी थी कि राजा जी उस पर मजे से नाचने लगे। जैसे ही चूहों ने बांसुरी की धुन सुनी, वो सब उस धुन के जैसे गुलाम से बन गए और मौका देखकर राजा जी ने झाड़ू उठाया और उन्हें महल के बाहर निकाल दिया। सब बहुत खुश हो गए और सिंड्रेला ने नटक्रैकर को खुशी के मारे एक अच्छी सी झप्पी दे दी। अचानक हर तरफ अजीब सी चमक फैल गई और वो नटक्रैकर एक प्यारे राजकुमार में बदलने लगा। और जब वो पूरी तरह बदल गया तब उसने कहा, अब तक मुझ पर जादू का असर था और अब मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें देना चाहता हूँ अपना हाथ, अपना दिल और साथ ही ये कांच के जूते भी। उसी वक्त महल की बड़ी घड़ी में 12 बजने की आवाज आई। सिंड्रेला को लगा कि अगर राजकुमार ने उसे उसकी पुरानी ड्रेस में देख लिया तो वो उसे चाहना बंद कर देगा,
पर राजकुमार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि सिंड्रेला के लिए उसकी चाहत सच्ची थी। और मैं यही बात तुमसे कहती रहती हूँ, बाहर से कोई भले कितना ही खराब क्यों ना दिखता हो, हमें उनके अंदर की अच्छाई को देखकर उससे लगाव हो जाता है।